IPL 2020 एक वो सीज़न जहां पर चेन्नई सुपर किंग की टीम IPL इतिहास में पहली बार प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने से चूक गई थी। इसके साथ ही यहां पर चेन्नई सुपर किंग का ऑफिशियली नहीं अनऑफिशियली डाउनफॉल आप कहना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि 2021 में ट्रॉफी जीतने के बाद 2022 में चेन्नई सुपर किंग की टीम फिर से एक और बार ऐसा हुआ जब वो क्वालिफाई नहीं कर पाई प्लेऑफ के लिए। और इसी की बात करें हम बात की तो 2023 में फिर से एक और बार चैंपियन बनी चेन्नई सुपर किंग की टीम, यानी कि डाउनफॉल कम बैक। और 2024 की तो फिर से चेन्नई सुपर किंग की टीम क्वालिफाई करने से चूक गई। लेकिन 2025 एक वो साल जहां पर कम बैक करने के मंसूबे काफ़ी ज़्यादा रहेंगे चेन्नई सुपर किंग की टीम के लिए, और आ रहा है मेगा ऑक्शन जहां पर चेन्नई सुपर किंग की टीम और ज़्यादा मजबूती के साथ कम बैक कर सकती है। 2020 की उससे पहले चेन्नई सुपर किंग की टीम कभी भी प्लेऑफ की रेस से बाहर नहीं हुई थी। बात करें जितने भी सीज़न खेली थी उसमें से अगर हम दो बार छोड़ दें 2009 और 2014 का सीज़न, तो हर बार फाइनल खेली थी। यानी कि एक वो टीम है चेन्नई सुपर किंग की टीम जहां पर बाकी सभी टीम कंपीट करती हैं, लड़ती हैं, झगड़ती हैं चेन्नई सुपर किंग से फाइनल में भिड़ने के लिए। सो गाइस, अगर बात करें महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी की तो 2020 का ही वो एकमात्र ऐसा साल था जहां पर धोनी ने पूरे सीज़न कप्तानी की और अपनी टीम को प्लेऑफ में क्वालिफाई नहीं करा पाए। बात कर रहे हैं हम चेन्नई सुपर किंग की। इसी के साथ ही अब दोस्तों 2025 का सीज़न आने वाला है जहां पर कयास ये लगाए जा रहे हैं कि महेंद्र सिंह धोनी रिटायरमेंट ले लेंगे और 2025 में आपको खेलते हुए नहीं दिखने वाले। लेकिन इसके भी 50% चांस हैं, और 50% चांस ये हैं कि महेंद्र सिंह धोनी 2025 के सीज़न में वापस आएंगे और खेलेंगे 2025 का सीज़न। और यहाँ पर एक और रूल BCCI IPL काउंसलिंग ने जारी कर दिया है कि जो सीनियर प्लेयर हैं, रिटायर प्लेयर हैं, लगभग 4 से 5 साल जिनको हो चुके हैं क्रिकेट को छोड़े, वो अनकैप्ड प्लेयर की तरह ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिससे फ़ायदा ये होगा एक बहुत बड़ा स्पॉट यहाँ पर नहीं जाएगा चेन्नई सुपर किंग की टीम का। अगर महेंद्र सिंह धोनी अगला सीज़न भी खेलना चाहें तो वो खेल सकते हैं बड़े आराम से। तो आप बताइए दोस्तों इसके बारे में आपका क्या कहना है, कि आप यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी को 2025 के सीज़न में खेलता हुआ देखना चाहते हो? अगर खेलता हुआ देखना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़रूर से एक लाइक कर दो, और अगर नहीं खेलता हुआ देखना चाहते तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए उसका रीज़न, कि आप महेंद्र सिंह धोनी को 2025 के IPL सीज़न में आखिर क्यों नहीं देखना चाहते। इसी के साथ ही अगर बात करें ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी की तो कप्तानी पर संकट भी मंडराया हुआ है। हो सकता है यहाँ पर 2025 के ऑक्शन में ऋषभ पंत चेन्नई सुपर किंग की टीम में आए और वो कप्तानी का जिम्मा भी ले जाएं, ऐसा होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा प्रबल रह सकते हैं। बात करें यहाँ पर सुरेश रैना की और कुछ सम अदर रिपोर्ट्स की, कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स की, तो महेंद्र सिंह धोनी 2025 का IPL सीज़न खेलने वाले हैं। और सुरेश रैना का तो हालांकि ये भी कहना है कि उनको एक और सीज़न खेलना चाहिए जिससे ऋतुराज गायकवाड़ उनके अंडर एक और साल कप्तानी कर सकें और सीख सकें कि कप्तानी आखिरकार कैसे की जाती है। तो ये उनका कहना है। अब आप बताइए आपके हिसाब से क्या महेंद्र सिंह धोनी को अगला सीज़न खेलना चाहिए, 2025 का सीज़न खेलना चाहिए या फिर नहीं, और क्या यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग की टीम कम बैक करने वाली है 2025 में, IPL विजेता कहलाएगी या फिर नहीं। महेंद्र सिंह धोनी अगर चेन्नई सुपर किंग का इतिहास देखा 2020 से तो 2020 में क्वालिफाई नहीं किए, 21 में जीते, 22 में नहीं किए, 23 में जीते, 24 में नहीं किए, तो आप सिनेरियो समझ सकते हो कि 2025 में ये साल हो सकता है चेन्नई सुपर किंग का साल हो। सो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से अपनी राय बता दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो फिर दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मिलेंगे हम नए वीडियो में नए टॉपिक साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।